हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट ऋतु हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की हमारी रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमने एक कटोरी साबूदाना लिया। मैं यहाँ मोटा वाला साबूदाना ले रही हूँ। हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालकर साफ पानी से धोएंगे। तो दो से तीन बार हम इसको साफ पानी से धो लेंगे और बहुत ज्यादा इसको हम मलेंगे नहीं। जैसे हम चावल या दाल को धोते हैं नॉर्मली, वैसे नहीं धोना है। इसमें थोड़ा सा बस पानी डालना है। इसको हल्का सा हिलाएंगे हम और दो तीन बार ऐसे हम पानी इसके अंदर से निकाल देंगे, तो एक्सेस स्टार्च जो होगा वो निकल जाएगा इससे। साबूदाना को धोने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भीगने के लिए रखेंगे। तो पानी हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं डालना है। हम सिर्फ इतना पानी डालेंगे इसमें कि साबूदाना जो है वो बोल के अंदर अच्छे से डूब जाए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी बस छिड़का इसके ऊपर और इतना पानी है कि आप साबूदाना को हटाएंगे तो आपको पानी नजर आएगा। इसके ऊपर का पानी नहीं डालना है। तो इसको हम ढक के 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 से 6 घंटे के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, साबूदाना भीग चुका है, एक एक दाना इसका अलग हो चुका है। आप इसको देखिए, दाने को एक को दबा के भी देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये मोती की तरह इसके दाने खिल गए हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन को गरम करेंगे। गरम होते ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। मैं घी यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे हम कच्ची मूंगफली। तो 2 चम्मच कच्ची मूंगफली मैंने यहाँ पर ऐड करी है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। धीमी आंच पे सिकी हुई मूंगफली अंदर से सिकती है अच्छी तरह से और इसका कलर भी डार्क बाहर से नहीं होता है। ये रेसिपी अगर आप व्रत में ट्राई कर रहे हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो भी इंग्रेडिएंट अगर आप नहीं खाते कुछ व्रत में, उसको स्किप कर सकते हैं। तो मूंगफली सिकने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने 2 आलू भी उबाल के छील के काट के रखे हैं, मैं वो भी यहाँ पर ऐड करूंगी। तो मूंगफली फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही रोस्ट हो जाएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए उबले आलू। 2 मीडियम साइज आलू को मैंने उबाल के छील के काट के रखा है, मैंने वो भी यहाँ पर ऐड कर दिए। इन सब चीजों को अच्छे से 2 से 3 मिनट हम पकने देंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो 2 मीडियम साइज हरी मिर्च काट के रखी है, मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं क्रश करी हुई काली मिर्च। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो व्रत है तो आप सेंधा नमक यूज करिए, अगर व्रत नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सॉल्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पर। एक से 1.5 मिनट इसको मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम रखी है हमने। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर। तो 2 मीडियम साइज टमाटर मैंने काट के रखे हैं। अगर आप टमाटर नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं उसको। तो 2 टमाटर मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर काट के। तीन से 4 मिनट हम चलाएंगे इसको जिससे कि टमाटर थोड़े से मैशी हो जाए। हमें पूरा मैशी नहीं करना है उनको, हल्का सा गल जाए टमाटर तब तक इसको हमको चलाना है ऐसे।
तो टमाटर मैशी हो चुके हैं, अच्छे से मसाला आलू सब पक गया है। तो अब हम इस स्टेज पे साबुदाना ऐड करते हैं जो हमने भिगो के रखा था। तो कितना अच्छा हमारा साबुदाना, देखिए बिल्कुल मोती की तरह एक एक दाना साबुदाना का अलग है, हमने यहां पर ऐड कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे जिससे कि मसाला और साबुदाना आपस में अच्छे से मिल जाए। साबुदाने का कलर देखिए बिल्कुल प्योर व्हाइट है अभी, तो अभी हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और धीमी आंच पे हम साबुदाने को पकने के लिए छोड़ देंगे और हर एक से डेढ़ मिनट के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। एक से डेढ़ मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, तो साबुदाना पकना शुरू हो गया है। इसको चलाते रहेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके प्लीज बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐड करेंगे आधा नींबू का रस, तो आधा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूं। क्वांटिटी अगर ज्यादा है साबुदाना की तो आप नींबू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नींबू का रस इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ाएगा, इसको हल्का सा एक खट्टा वाला फ्लेवर देगा। अगर आप खट्टा मीठा साबुदाना बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर आधा चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो नींबू का रस को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम यहां पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया की जगह आप चाहें तो करी पत्ता भी यूज कर सकते हैं, और अगर करी पत्ता आपने यूज कर रहे हैं तो जब हमने जीरा डाला था तड़के में तब आप करी पत्ता डाल सकते हैं। इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हर एक से डेढ़ मिनट के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं, बट मैं इसको खुले में पका रही हूं। ढक के पकाने में इसमें मॉइस्चर आ सकता है, उससे ये चिपचिप हो सकता है, थोड़े से इसके दाने चिपक सकते हैं आपस में। हम इसलिए इसको खोल के पका रहे हैं जिससे कि ये खिचड़ी हमारी बिल्कुल खिली खिली बने। तो देखिए काफी हद तक जो साबुदाना के दाने हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है। देखिए अभी भी कुछ जो साबुदाना है वो व्हाइट कलर का ही है, तो व्हाइट कलर का होने का मतलब है कि साबुदाना अभी पूरी तरह से पका नहीं है। तो इसको हम 2 से 4 मिनट अभी और हम पकाएंगे, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आपका साबुदाना बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी कह सकते हैं हम इसको, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, व्रत हो या ना हो आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। तो देखिए हमारी साबुदाना की खिचड़ी तो बिल्कुल बन चुकी है, रेडी है। आइए इसको सर्व करते हैं। आप लोग भी इसको जरूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपकी खिचड़ी कैसी बनी थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस पे कंजूसी मत करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।